वेलकम वंस अगेन 10 सीरीज में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। और एपिसोड नंबर 5 में और टेंस नंबर 4 में हम देखने वाले हैं टेंस यानी कि कंटिन्यू परफेक्ट प्रेजेंट टेंस, वो फोर्थ हमारा स्टेज हुआ। और फोर्थ अवस्था में हम ये टेंस देखने वाले हैं और सीखने वाले हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम इस सीरीज में अच्छी तरह से सीखने के लिए आपको हमारी अगली वीडियो नहीं देखी है तो तब जाके पहले अगली वीडियो देखें और इस वीडियो के माध्यम से आप अच्छी तरह से एक कंटिन्यूस परफेक्ट प्रेजेंट टेंस सीख सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ कंटिन्यू परफेक्ट प्रेजेंट टेंस है क्या, जो बोलने में थोड़ा ताज्जुब होता है, वो थोड़ा लंबा सा है ना, इसीलिए ठीक है फ्रेंड। तो कंटिन्यू और परफेक्ट दोनों एक्शन मिक्सअप होती है, यानी कि कहीं पे पहुंचने की जो घटना है वो पूरी हो जाती है लेकिन वही सिटी में अभी हमारी कार गड्डी शुरू है फ्रेंड्स। इसीलिए कंटिन्यू और परफेक्ट वो दोनों जो टेंस है वो मिक्सअप होते हैं, इसीलिए बनता है कंटिन्यूस परफेक्ट प्रेजेंट टेंस, ठीक है। तो सीखते हैं हम कंटिन्यू परफेक्ट प्रेजेंट टेंस एग्जांपल के जरिए फ्रेंड्स। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ वी हैव टू लर्न अबाउट इट्स स्ट्रक्चर। व्हाट्स द स्ट्रक्चर ऑफ परफेक्ट प्रेजेंट टेंस, इसका क्या है स्ट्रक्चर, किस तरह से हम इसे सीखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। इसमें दो घटनाएं यानी कि दो वर्ब्स दो एक्शन हमारी साथ में मिक्सअप होगी, जो वो अगली वीडियो में हमने पढ़ी थी, यानी कि कंटिन्यूस और परफेक्ट। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमें सब्जेक्ट और उसके बाजू में हमारा टू बी, परफेक्ट का टू बी क्या होता है, अगली वीडियो में कहा था ना हमने, ठीक है, हैव और हैज। तो सब्जेक्ट हैवेज और कंटिन्यू में क्या आता है, वर्ब आईएनजी यानी कि हैव हैज और आईएनजी। तो ऐसा चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। क्यों, क्योंकि हैवेज के बाजू में तो वर्ड का थर्ड फॉर्म आता है, तो वर्ड का आईएनजी फॉर्म जब रखना है तो आईएनजी फॉर्म के बीच में हमें क्या रखना है, बिन, नॉट मिस्टर बिन, बी डबल ई एन, ठीक है। तो हमें मुक्ता रखना है यहां पे बिन, यानी कि हैव हैज प्लस बिन प्लस वी आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, इस तरह से हमारा फॉर्मेशन होता है फ्रेंड्स एसर्टिव सेंटेंस। और टेंस हमारा फोर्थ, उसका नाम है परफेक्ट कंटिन्यू प्रेजेंट टेंस, उसकी एसर्टिव वाक्य रचना होती है, ठीक है। तो हमें एसर्टिव ही सीखनी होती है फ्रेंड्स, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव तो आप ही हमें आ जाते हैं, क्योंकि नेगेटिव में सिर्फ और सिर्फ हमें टू बी के साइड नॉट रखना होता है, हो गई नेगेटिव, ठीक है। दोहरा लेते हैं, तो सब्जेक्ट प्लस हैवेज प्लस नॉट प्लस बीन प्लस आईएनजी, वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, तो ये हुई हमारी नेगेटिव फॉर्म्स। और नेगेटिव फॉर्म के जरिए हम कहीं सारे सेंटेंस नेगेटिव फॉर्म में कंटिन्यू परफेक्ट प्रेजेंट टेंस में सीख सकते हैं, लिख सकते हैं और बोल भी सकते हैं फ्रेंड्स। और आगे थर्ड फॉर्म हमारा क्या होता है, डब्ल्यू एच यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमारा क्या है, स्ट्रक्चर हमारा वही का वही है, लेकिन इस स्ट्रक्चर में हम क्या सीखेंगे। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमारा टू बी यानी कि हैव हैज कैपिटल फॉर्म में हम रखेंगे। हैव हैज किस फॉर्म में, कैपिटल फॉर्म में रखेंगे। तो हैव हैज के बाजू में हमें सब्जेक्ट और फिर बीन, फिर आईएनजी वर्ब का आईएनजी, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क, वो होता है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि परफेक्ट कंटिन्यू प्रेजेंट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। थोड़ा लंबा काल है इसीलिए हमें बोलने में दिक्कत होती है, लेकिन फ्रेंड्स घबराइए मत, ये आप बार बार रिपीटेशन देखेंगे और दोहराएंगे रटेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि कुछ भी करने के लिए एफर्ट, मैं भी जितना एफर्ट लगाता हूँ और हमारी टीम भी जितना एफर्ट जो लगा रही है अभी, तो आपको भी थोड़ा थोड़ा एफर्ट लगाना चाहिए क्योंकि आपको सीखना है। तो आपको मैं सीखाता हूँ, सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ,
मेरे पास कोई एक हमेशा माइक्रोचिप्स नहीं है जो यहाँ से निकाले और यहाँ से इंस्टॉल कर दिए, तो आपको थोड़ा एफर्ट लगाना है, प्रैक्टिस करनी है, तब जाके आपको ये कॉल समझ में आएगी। तो उसका एग्जाम्पल के जरिए हम सीखते हैं। तो लेट स्टार्ट इट्स एग्जाम्पल, कंटिन्यू परफेक्ट प्रेजेंट टेंस कैसे इस्तेमाल होता है। यानी कि फ्रेंड्स, हम कंटिन्यू प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट एसर्टिव सेंटेंस का एग्जाम्पल देखते हैं। तो इस एग्जाम्पल को हम वो जो मैंगो खा रहे थे, खाने की घटनाएं हमारी पूर्ण हुई, ये एग्जाम्पल इसमें नहीं चलेगा। एग्जाम्पल थोड़ा हम चेंज करते हैं ताकि अच्छी तरह से हम सीख सके। ठीक है फ्रेंड्स, आई हैव बीन लिविंग इन सूरत सिंस 2003। मैं यहां सूरत में 2003 से रह रहा हूं, यानी कि 2003 से 2021 तक सूरत में रहने की जो एक्शन है, लिव की जो एक्शन है वो परफेक्ट हो चुकी है, हैव परफेक्ट हो चुकी है, लेकिन अभी भी मैं सूरत में ही रह रहा हूं, यानी कि ये एक्शन हमारी शुरू है। तो कंटिन्यू प्लस परफेक्ट, तो कंटिन्यू परफेक्ट की एक्शन हमारी ये होती है, यानी कि आई हैव बीन लिविंग सूरत सिंस 2003 से रह रहा हूं। उसमें सिंस और फॉर, एस आई एन सी ई, सिंस ये हमें निश्चित काल दिखाता है, इसमें हम कोई भी एडी का इस्तेमाल कर सकते हैं, और फॉर एफ ओ आर ए, नॉट फॉर फॉर, चार वाला फॉर नहीं, एफ ओ यू आर, ये फॉर की मैं बात नहीं कर रहा हूं, फॉर यानी कि एफ ओ आर वो अनिश्चित टाइम दिखाता है। आई हैव बीन लिविंग सूरत फॉर 15 years, हूँ पंद्रह, मैं यहाँ 15 सालों से रह रहा हूँ, तो उसमें कोई चौकस नहीं है, कोई निश्चित नहीं है। ठीक है, तो वो घटना हमारे अनिश्चित फॉर से होती है और निश्चित यानी कि परफेक्ट हमारी सिंस से होती है। इसी एग्जाम्पल को हम नेगेटिव फॉर्म में दोहराते हैं फ्रेंड्स। तो आई हैव नॉट बीन लिविंग इन सूरत सिंस 2003। यही एग्जाम्पल हम इंट्रो में भी ले सकते हैं, तो इंट्रो में हम टू बी को आगे ले लेते हैं, यानी कि हैव हैज को आगे, हैव आई बीन लिविंग इन सूरत सिंस 2003 क्वेश्चन मार्क, ये हमारा हुआ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फ्रेंड्स, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस के जरिए हम ये सारी बात सीख सकते हैं, इसीलिए इस एग्जाम्पल के जरिए सभी हम ये बाबतों सीखते हैं और समझते हैं। ये बात आपको बार बार दोहरानी है, प्रैक्टिस करनी है, लर्न करनी है, और कोई भी समस्या हो आपको तब हमें आपको दिखाने की है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये समस्या आप सारी तरह से सीखे, समझे, पढ़े और कमेंट करके हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसमें आपको क्या दिक्कतें हैं, क्या प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम को हम अच्छी तरह से आगे ले जाके कंप्लीट करेंगे फ्रेंड्स। तो तब तक के लिए आप सब स्वस्थ रहे, मस्त रहे, मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय, धन्यवाद।